हेलो दोस्तों, 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में जो 4 IPO आ रहे हैं उनमें से मैंने 3 IPO का रिव्यू कर दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो उन 4 IPO में से जो 4th IPO है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, उस IPO का रिव्यू इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड को तो मैं आपको बता देता हूँ। देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, अब यम ब्रांड्स क्या है? तो दोस्तों, यम ब्रांड्स ऑपरेट करती है KFC, पिज्जा हट और टेको बेल। ये जो बड़े ब्रांड्स है ये ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर 50,000 के आसपास रेस्टोरेंट है, वो भी 150 कंट्रीज के अंदर। तो ये सभी 50,000 रेस्टोरेंट 150 कंट्रीज के अंदर यम ब्रांड्स हैंडल करती है। तो यम ब्रांड्स की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, वो भी इंडिया के अंदर। तो अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा यम ब्रांड्स और देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड में। तो दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड इंडिया के अंदर 655 स्टोर ऑपरेट करती है लगभग 155 सिटीज में। तो दोस्तों, कोई भी IPO में हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें लिस्टिंग गेन्स हमें कितना मिलने वाला है, मतलब आज की तारीख में इस IPO का ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। फिर दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। तो ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है और साल दर साल ये प्रॉफिट और रेवेन्यू कैसा जनरेट कर रही है। और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि इसकी जो कंपिटिटर कंपनियां हैं उसके अकॉर्डिंग ये कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो उस हिसाब से हमें पता चल पाएगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है। और तीसरी बात, हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे IPO की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, बात करें आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की, तो एक शेयर पर 55 रुपए हमें आज की तारीख में फायदा बता रहा है, मतलब 55 रुपए पर शेयर ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है आज की तारीख में। तो ये 165 शेयर का लॉट है, अगर 55 को 165 से गुणा करते हैं तो लगभग 9,075 रुपए हमें आज की तारीख में फायदा बता रहा है। दोस्तों, अभी मैंने जो 4 IPO के रिव्यू किए उन चारों में से सबसे ज्यादा जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का, उसका कारण दोस्तों KFC पिज्जा हट की पॉपुलरिटी है और इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 9,075 रुपए चल रहा है, जो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसके जैसे जो पिछले IPO आए थे, बर्गर किंग है, बारबेक्यू नेशन है, उन सभी ने लिस्टिंग गेंस बहुत ही जबरदस्त दिया था। और अभी जोमेटो IPO की लिस्टिंग गेंस भी बहुत जबरदस्त मिला है, तो उस हिसाब से लग रहा है कि उसमें भी लिस्टिंग गेंस बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। जहां तक मुझे उम्मीद है, इस IPO के अंदर हमें 12,000 से लेकर 15,000 रुपए के बीच में लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। तो अब बात करें इस कंपनी की, तो ये 3 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। पहला तो है इसका कोर ब्रांड्स, जिसके अंदर KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी है। दूसरा है इसका इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर ये फॉरेन के अंदर KFC और पिज्जा हट की फ्रेंचाइजी देती है। इसका बिजनेस नेपाल और नाइजीरिया के अंदर चल रहा है। और तीसरा बिजनेस जो है, इसके खुद के ब्रांड के स्टोर्स खोले हुए हैं, जिसमें सारे खाने पीने वाले आइटम जो होते हैं उनके स्टोर्स हैं। तो ये 3 बिजनेस है जहां से अपना ये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो दोस्तों, 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इसका जो 94% का रेवेन्यू है वो कोर बिजनेस से आया है। कोर बिजनेस मतलब KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी से 94% तक का रेवेन्यू आया है, और बाकी का जो 6% का रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल बिजनेस और इसके खुद के ब्रांड के बिजनेस से आया है। तो दोस्तों, मेन इसका जो रेवेन्यू है कोर ब्रांड से ही आता है। तो अब दोस्तों, बात करें इसके फाइनेंशियल की, तो मतलब ये साल दर साल कैसा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो दोस्तों, बात करें इसके प्रॉफिट की, तो अभी तक इसने प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है, मतलब ये लॉस ही लॉस जनरेट कर रही है। बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर इसने जो अपना लॉस जनरेट किया था 94 करोड़ रुपए का, और वही दोस्तों 2020 के अंदर इसका लॉस बढ़कर हो गया 121 करोड़ रुपए का, और 2021 के अंदर इसका लॉस घटकर हो गया लगभग 62.9 करोड़ रुपए का। और बात करें इसके रेवेन्यू की, तो 2020 के अंदर इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा था और 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू अभी कम है, और इसके टोटल एसेट्स भी देखें तो साल दर साल घटे हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल वाइज देखें तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। एक पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं, इसका जो लॉस है 2021 के अंदर आधा हो गया है, और इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इस पर लिस्टिंग गेन्स भी ज्यादा होने वाला है। दोस्तों, कोई भी ऐसी QSR रेस्टोरेंट चेन वाली जो कंपनियां होती है, मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन वाली जो कंपनियां होती है, वो लगभग मार्केट में लिस्ट होने से पहले घाटे के अंदर ही होती है। अभी जो मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि ऐसी काफी कंपनीज लिस्ट होने के टाइम घाटे के अंदर होती है, पर IPO लाने के बाद और लोग इसके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इनके पास कैश फ्लो भी आता है, जिसके कारण ये इन पैसों का उपयोग बिजनेस एक्सपेंड करने में करते हैं। दोस्तों, US के अंदर भी ऐसी सिमिलर टाइप की काफी कंपनियां हैं जो लिस्ट होने के टाइम पर लॉस में थी पर बाद में प्रॉफिट मेकिंग बन गई है। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें उम्मीद लगा रहे हैं कि ये आने वाले 2 से 3 सालों में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। पर दोस्तों, अभी के जो फाइनेंशियल देखें तो उस हिसाब से ये बहुत रिस्की कंपनी लग रही है। तो अभी तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा,
अब दोस्तों पीयर कंपैरिजन देखें तो मतलब इसके जैसी और भी कंपनियां जो रजिस्टर्ड हैं शेयर मार्केट के अंदर वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो इसकी जैसी और चार कंपनियां हैं, जुबिलियंट है, वेस्ट लाइफ है, बर्गर किंग है, बारबेक्यू नेशन है, उन सभी में से जो जुबिलियंट फूड है वो कंपनी ही प्रॉफिट के अंदर है, बाकी सारी कंपनियां घाटे के अंदर है। और बर्गर किंग का आईपीओ अभी आया था 6-7 महीने पहले और बारबेक्यू नेशन का आईपीओ भी अभी 3-4 महीने पहले ही आया था, तो अभी इन कंपनियों को भी ग्रोथ करने में काफी टाइम लगेगा। और दोस्तों रेवेन्यू वाइज इनको कंपेयर करें तो देवयानी इंटरनेशनल सेकंड नंबर पर आती है और जुबिलियंट फूड आती है फर्स्ट नंबर पर, मतलब रेवेन्यू वाइज। और इन सभी में से सबसे छोटी कंपनी है बारबेक्यू नेशन रेवेन्यू के मामले में। और दोस्तों कंपेयर करें पीई रेशियो की तो जुबिलियंट फूड का पीई रेशियो है 130, मतलब जुबिलियंट फूड से 1 रुपया कमाने के लिए हमें उसमें 130 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और बाकी सारी कंपनियां लॉस जनरेट करती है तो उनका पीई रेशियो अभी नेगेटिव है। और बात करें रिटर्न ऑन नेट वर्थ की तो जुबिलियंट फूड का जो रिटर्न ऑन नेट वर्थ है लगभग 16.16%, मतलब लगभग ये 1 साल के अंदर इतना रिटर्न देती है और बाकी सारी कंपनियां लॉस मेकिंग है तो इनका रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी नहीं है। दोस्तों पीयर कंपैरिजन में एक प्लस पॉइंट है कि इसके जैसे जो चार और कंपनियां लिस्टेड है उनमें से ये सेकंड नंबर आती है रेवेन्यू के मामले में, तो जो इसका आईपीओ जारी होगा हो सकता है उसके बाद इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो जाएगी बाकी तीन कंपनियों से। और इसके ऊपर 2020-21 के अंदर उधारी है लगभग 463 करोड़ रुपए की, तो जो आईपीओ से पैसा आएगा उसका लगभग 358 करोड़ रुपए इसका लोन पेमेंट के रूप में काम में लिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनेंशियली ये कंपनी घाटे के अंदर है इसलिए इसका जो रिटेल कोटा रखा गया है 10% का, रिटेल कोटा 10% का इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये रिस्क की कंपनी है। और बात करें इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 4 अगस्त को और इसकी क्लोजिंग डेट है 6 अगस्त को, मतलब 4, 5 और 6 तीन दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। और इसकी फेस वैल्यू रखी गई है 1 रुपया पर इक्विटी शेयर और इसका प्राइस बैंड रखा गया है 86 से लेकर 90 रुपए के बीच में और इसका जो मार्केट लॉट है 165 शेयर का, मतलब एक लॉट के अंदर 165 शेयर होंगे। और इसकी लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों पर है। इसका इश्यू साइज है 1838 करोड़ रुपए का, मतलब ये टोटल 1838 करोड़ रुपए का आईपीओ होगा जिसके अंदर जो नए शेयर है फ्रेश इश्यू शेयर लगभग 440 करोड़ रुपए के और जो इसके ऑफर फॉर सेल के अंदर जो शेयर है 1398 करोड़ रुपए के। इसके टाइम टेबल की बात करें तो 4, 5 और 6 तीन दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। इसकी अलॉटमेंट डेट है 11 अगस्त को और अगर हमारे अलॉट नहीं होता तो रिफंड आ जाएंगे 12 अगस्त को और अगर हमारे आईपीओ अलॉट हो जाता है तो शेयर हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे 13 अगस्त को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 अगस्त को, 16 अगस्त को ये मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। अब इसके लॉट साइज की बात करें तो मिनिमम हम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 165 शेयर हैं और 14,850 रुपए मिनिमम हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और मैक्सिमम हम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके अंदर 2145 शेयर हैं और मैक्सिमम हम 1,93,050 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हम लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों लिस्टिंग गेन्स के लिए तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहने वाली है। अभी जो पिछले आईपीओ आए थे बर्गर किंग का, जोमेटो का, वो कंपनियां भी घाटे के अंदर चल रही थी पर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसकी डिमांड भी केएफसी और पिज्जा हट के कारण बहुत ज्यादा रहने वाली है, मतलब ये चर्चा में रहेगा, इस कारण इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बहुत अच्छा मिलेगा हमें। तो अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी की सिचुएशन देखते हुए मैं इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए सलाह नहीं दूंगा। पर दोस्तों जो काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं और जो मार्केट को समझते हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि ये आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने वाली है, मतलब इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। पर पर्सनली मैं इसको सजेस्ट नहीं करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको रिस्की कंपनी मानता हूं। इसके बजाय आप दूसरी किसी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लिस्टिंग गेन्स लेकर निकल सकते हैं। और दोस्तों चारों आईपीओ में से सबसे बेस्ट आईपीओ कौन सा है और लिस्टिंग गेन सबसे ज्यादा किसमें होने वाला है और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आईपीओ अच्छा है, इन चारों आईपीओ का कंपैरिजन का वीडियो मेरे चैनल पर आ जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन पर दबा दें ताकि वीडियो आते ही आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।